बेटाओ, हमने प्रीवियस वीडियो में अभी लेक्चर में पढ़ा स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डिटेल्ड स्टडी की। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हर एटम का स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, किसी और एटम से मैच नहीं करता। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कई एलिमेंट्स को डिस्कवर करने में हेल्प मिली थी। हमने उसके बारे में भी स्टडी किया, जैसे हीलियम है वो सन की स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टडी से डिस्कवर हुआ। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स थे जो रॉबर्ट बंसन ने डिस्कवर किए थे। अब हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी एटम को बाहर से एनर्जी दे करके उसको एक्साइट कर दें, और उन एटम्स को हम एक्साइट कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से, या फिर बाहर से हीट दे के गर्म करके। जब हम ऐसा करते हैं तो बेटा हो इनमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर हम लिख देते हैं, आप मेरे साथ साथ इस चीज को लिखोगे। आप व्हेन हाइड्रोजन गैस इज हीटेड और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब करंट पास करते हैं हम एनोड कैथोड लगा के और हाइड्रोजन गैस में, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज कैरिड, जब ये किया जाता है तो बेटा क्या होता है, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन गेट्स एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, दैट इज वो एक्साइटेड स्टेट्स में पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, वो यस वेरी गुड यस यस व्हेन, हाँ वेरी गुड, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम्स में मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, उनमें इलेक्ट्रॉन कम्स बैक इन ग्राउंड स्टेट। जब वापस से वो ग्राउंड स्टेट में आता है, देन इट एमिट्स रेडिएशंस। तो ये क्या करता है, ये रेडिएशंस एमिट करता है। ओके बेटा वो, और ये रेडिएशंस क्या करते हैं, विच लीव एन इम्प्रेशन कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आता तो पूछ लेना बेटा हो, स्क्रीन पर थोड़ा सा ये पेन ऐसे चलता है, विच लीव एन इम्प्रेशन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो रेडिएशन है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम हाइड्रोजन का एमिजन लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके बेटा हो, अब यहाँ पर एक पिक्चर और क्लियर हो गई, वो ये है, वी कैन डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ क्वांटम एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, हायर से लोअर में आया, एक्साइटेड स्टेट से लौट के आ रहा है, तो उस ट्रांजिशन में जो क्वांटम निकल रहा है उसकी वेवलेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं किससे बेटा, फॉर्मूले से, बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। और ये हम फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं कि अगर कोई क्वांटम निकलता है तो उसकी एनर्जी उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है,
जब हमने उनको इक्वलाइज किया था तो हमें एक फॉर्मूला मिला था, आपको याद हो, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², एम आई राइट? यस। और इसको हम न्यू बार भी कह सकते हैं। और हाइड्रोजन के लिए आप लोग जानते हो एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए कई बार बुक्स में वो यहाँ पर जेड टर्म को नहीं लिखते हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, डायरेक्ट आर लिख देते हैं, आर 1/n1² माइनस 1/n2². इतनी पिक्चर क्लियर होगी बेटा? यस यस वेरी गुड। लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा, वो आपको याद होगा, एक फॉर्मूला आपको याद दिला रहा हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है उसके कितने ट्रांजिशन होंगे, ये इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है बेटा? हम ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, n2 - n1 n2 - n1+1/2, याद आ रहा है बेटा? यस। इसका मतलब वहां पे था मैक्सिमम टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, तो जितने ट्रांजिशन डिफरेंट टाइप के होंगे इसका मतलब उतने ही डिफरेंट टाइप की लाइंस बनेंगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, क्योंकि हर ट्रांजिशन का n1 n2 अलग अलग होगा, तो उस क्वांटम की वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, उसकी एनर्जी अलग अलग होगी, तो लाइन की ब्राइटनेस या उसकी विड्थ वो भी अलग अलग होगी, तो हम उन लाइंस को अलग अलग पहचान सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, या लाइंस का मतलब टाइप से है, कितने टाइप की लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ये भी कितनी होंगी, सेम n2 - n1 n2 - n1+1/2, इज दैट क्लियर? यस। तो जितने टाइप के ट्रांजिशन उतने टाइप की वेवलेंथ, जितने टाइप की वेवलेंथ उतने टाइप की डिफरेंट लाइंस, तो मैक्सिमम लाइंस कितनी बन सकती हैं, कितनी बन सकती हैं, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट लाइंस बनी थी उन लाइंस को हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, क्या किया बेटा, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो एमिजन स्पेक्ट्रम बना है एमिट होने से, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एमिजन स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इंटू 6 डिफरेंट सीरीज on the basis of lines formed at spectrum, spectrum पे जो lines बनी उनके basis पर मैं पूरे spectrum को 6 series में divide कर सकता हूँ, okay बेटा? Yes sir. Very good. पर ये clear है कि जो quantum निकलेगा उसकी energy अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ से आएगी, और वो एनर्जी n1 और n2 पर डिपेंड करेगी, n1 और n2 जो है वो ऑर्बिट नंबर हैं जो हमेशा इंटीजर होते हैं, इसका मतलब क्वांटम जो निकलेगा उसकी एनर्जी हमेशा एक मिनिमम वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू, जो आर के फॉर्म्स में हम उसको चेंज कर सकते थे r/c से, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने कहा था, उस एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आनी चाहिए, और वी कैन से दैट वो इंटीग्रल वैल्यूज n1 n2 पर डिपेंड करेगी, जब भी कोई क्वांटिटी की वैल्यू किसी एक फिक्स वैल्यू की डिस्क्रीट में, दैट इज एक इंटीग्रल मल्टीपल में आती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं,
इससे क्लियर हो रहा है, ये इस बात का भी एविडेंस है, ये स्पेक्ट्रम या उसकी लाइंस या उस लाइंस को बनाने वाले क्वांटम्स की एनर्जी के एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में जो होती है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो क्वांटम निकलता है उसकी जो एनर्जी होती है या डिफरेंट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है एन वन एन टू ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस, वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, ये इस बात का एविडेंस भी है। इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। तो अब हम आगे स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की उन छह डिफरेंट सीरीज की, वो छह डिफरेंट सीरीज क्या है और उन्हें कैसे डिवाइड किया गया, उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तो काफी ये पेट क्वेश्चन है उन लोगों का कि वो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए वो जो छह सीरीज हैं वो क्या हैं, मैं उन छह सीरीज को आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पर मैं लाइंस बना रहा हूँ, ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑर्बिट को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? ऑर्बिट। वेरी गुड। मैं यहाँ पर अभी ऑर्बिट लिखने जा रहा हूँ, इन ऑर्बिट से आप लोग बेटर समझ पाओगे। लाइंस नहीं है ये, ऑर्बिट है ये सेल हाइड्रोजन के। यहाँ पर ये सेल नंबर वन है, ये सेल नंबर टू है, ये ऑर्बिट नंबर थ्री, ऑर्बिट या सेल कुछ भी को हो, या एनर्जी लेवल फोर फाइव सिक्स सेवन। मैं चलो यहाँ पे एक लाइन डॉट 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 बना देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगी। दैट इज इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे और ये लास्ट मान लो आप, ये लास्ट ऑर्बिट है, नंबर नहीं पता हमें, एन कुछ भी कह दो। और इसके बाद में अब है बेटा ये इनफिनाइट, मतलब एटम से बाहर। कोई दिक्कत बेटा? ये मैंने बना दिए एनर्जी लेवल्स, दैट इज ऑर्बिट्स। क्या है ये? ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब स्पेक्ट्रम को स्टडी कैसे किया गया वो ध्यान देना आप लोग। ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कुछ एटम्स में, सपोज करो एटम से बाहर ही निकल गया, एटम आयन में चेंज हो गया, जब वो इनफिनाइट में पहुंचा हुआ इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो डायरेक्ट यहां से यहां तक आ सकता है। ये एनर्जी की मैक्सिमम लिमिट हो गई इनफिनाइट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस, ये मैक्सिमम डिफरेंस हो गया बेटा लेवल्स का। यस सर। वेरी गुड। तो इस समय जो क्वांटम निकलेगा उसकी एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। जितनी एनर्जी ज्यादा होती है वेवलेंथ उतनी कम होती है, आप लोग जानते हो क्वांटम की एनर्जी एच सी बाई लेमडा, दैट इज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि ये जो इनफिनाइट में है वो आपका सिक्स में आ जाए, सिक्स ऑर्बिट में, और इसके बाद सिक्स में आने के बाद में फर्स्ट में आए, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलो बेटा, हो दो स्टेप में आ जाए, अगर दो स्टेप में आया किसी एटम में तो दो क्वांटम निकलेंगे। वेरी गुड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सेवंथ में आया और सेवंथ में आने के बाद में फिर फर्स्ट में आया, ठीक है ना, फिफ्थ में आया, फिफ्थ में आने के बाद फिर फर्स्ट में आया, डायरेक्ट पहले आपका फोर्थ में आया फिर उसके बाद फर्स्ट में आया, या थर्ड में आके फिर फर्स्ट में आया, या सेकंड में आके फिर फर्स्ट में आया, पर हर बार आया तो फर्स्ट में ना बेटा? यस। तो वे सारे क्वांटम जो ऑर्बिट नंबर वन में इलेक्ट्रॉन के आने पर आए, कहीं से भी ऑर्बिट नंबर वन में आने पर जो क्वांटम निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट नंबर वन में आने पर जो क्वांटम निकलेंगे उनके द्वारा जो लाइंस बनेंगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, उन सभी लाइंस को नाम दिया गया लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज।
क्योंकि ये साइंटिस्ट थे लाइमन, उन्होंने डिस्कवर किया, तो इसको लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज बोलते हैं। ओके बेटा हो? यस। वेरी गुड। तो इस पूरी लाइंस के ग्रुप को बोला लाइमन सीरीज। इससे क्लियर हो गया कि लाइमन सीरीज जो होती है के पड़ा था, जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं 1 by lambda is equals to r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। तो इस लाइमन सीरीज के लिए n1 हमेशा 1 रहेगा, am I right? Yes sir। क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में आना है। हाँ ये जरूर है कि उसका जो n2 है कहाँ से आ रहा है, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और एनी इवन इनफिनिट भी हो सकता है। इसी तरह से बेटा हो, एक ट्रांजिशन ऐसा भी हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफिनिट से आए सेकंड ऑर्बिट में, फिर जाए फर्स्ट में, पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं से भी आए बस सेकंड में आकर के एक बार रुके। कहां पे आके रुके बेटा? सेकंड में आके, उसके बाद जाए फर्स्ट में। पर जब वो सेकंड में आके रुक रहा होगा, उस समय जितने भी क्वांटम्स निकल रहे होंगे बेटा वो, जितने भी उन सबसे जो लाइंस बनेंगी यहां पर इनके द्वारा, उनको नाम दिया गया लाइंस किसकी, इन सारी सीरीज को, इस पूरे ग्रुप को क्या बोला गया, इस जो लाइंस, ये लाइन नहीं है, ये तो ट्रांजिशन है, पर इन ट्रांजिशन से जो लाइंस बनेंगी। ओके बेटा हो? तो उनको हमने कहा बामर सीरीज की लाइंस, क्योंकि साइंटिस्ट बामर ने डिस्कवर किया, तो सारी लाइंस साइंटिस्टों के नाम पर रखी गई है, तो ये बामर सीरीज की लाइंस है। बामर सीरीज की लाइंस के लिए क्लियर हो गया कि एन वन हमेशा दो रहेगा, सेकंड में आके रुक रही है, बट n2 जो है वो दो से ऊपर वाला ऑर्बिट 3, 4, 5 या इवन इनफिनिट तक कुछ भी हो सकता है। ओके बेटा हो? इसी तरह से ये भी तो हो सकता है कि कहीं से भी लाइन आ रही हो, थर्ड में आके रुक जाए। बोलो बेटा हो? Yes, sir। तो थर्ड में आके रुकने से बनेंगी, उस सीरीज को बोला गया पाश्चन सीरीज, और इस पाश्चन सीरीज के लिए n1 हमेशा 3 रहेगा, बट n2 कुछ भी हो सकता है, उससे ऊपर वाला जहां से आ रहा है, इवन इनफिनिट। इस तरह से ये जो टोटल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज बनी, वो 6 सीरीज इस बेसिस पर बनाई गई कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आके रुका, आ कहाँ से रहा है वो अलग बात है। तो यहाँ पर टोटल जो 6 सीरीज है वो कौन कौन सी है, 6 सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिली आर नंबर वन। अब मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग मेरे साथ साथ। नंबर वन लाइमन सीरीज, ठीक है बेटा। नंबर टू बामर सीरीज, नंबर थ्री पाश्चन सीरीज, एंड देन ब्रैकेट, एंड देन पी साइलेंट होता है, इसको फंड सीरीज बोलते हैं, कुछ फंड बोल देते हैं, एंड हमफ्री। टोटल 6 सीरीज मिली। ये 6 सीरीज किस बेसिस पर डिवाइड की उन्होंने, कि उन्होंने देखा कि इनमें एन वन और एन टू की सारी कहानी है। किसकी बेटा? n1 और n2। लाइमन सीरीज की लाइंस उनको कहा गया जिनमें n1 की वैल्यू 1 थी, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा हो। बामर सीरीज की लाइंस वो थी जो इलेक्ट्रॉन के सेकंड ऑर्बिट में आने से, क्वांटम निकलने से बनी, पर आ कहीं से भी रहा हो। आप इस तरह से n1 n2 की वैल्यूज को हमेशा देख सकते हो। n1 इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, बट n2 क्या होता है, n1 से हायर, ऊपर से आएगा कहीं से भी। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। वेरी गुड।
तो ये आपको एन वन की वैल्यू के अकॉर्डिंग इन सीरीज के नाम याद रखने हैं, ये कभी गलती मत कर बैठना कहीं से भी आए। अब इसमें एक और अच्छी बात, ये केवल हाइड्रोन, ये बात जो हम कह रहे हैं सीरीज की लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फोन डम्प्री, ये हाइड्रोन के लिए है, बट हम हाइड्रोन लाइक अदर एटम साइंस जो भी है उनके लिए भी हम ये नाम यूज कर सकते हैं, और इन्हीं नामों के लिए हम यही एन वन एन टू एन थ्री की जो भी वैल्यू है एन वन की, ये भी आपका वन टू थ्री फोर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक स्टडी इसमें और की गई जो सिर्फ हाइड्रोन स्पेक्ट्रम्स के लिए है, और वो क्या है वो आपको लिख के बता रहा हूं मैं, अलग पेन से ध्यान देना। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एमिजन स्पेक्ट्रम, इस स्पेक्ट्रम में बेटा हो लाइमन सीरीज जो थी, उस लाइमन सीरीज के जितने भी उसको बनाने वाले लाइंस को बनाने वाले जो क्वांटम निकल रहे थे, उन सारे क्वांटम्स की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, और वो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से मैच कर रही थी, उस रेंज में आ रही थी, मतलब उसकी वेवलेंथ की रेंज में थी। इसीलिए लाइमन सीरीज हाइड्रोन स्पेक्ट्रम में जो बनती है, उस लाइमन सीरीज की सभी लाइंस को अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइंस भी कह सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइमन सीरीज तो हीलियम के लिए भी हो सकती है, लिथियम के लिए भी हो सकती है, लिथियम के लिए भी लाइमन सीरीज का मतलब एन वन कहेंगे, बट लिथियम की लाइमन सीरीज जो है उसकी रेडिएशन जो है क्वांटम जो है उसकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट से मैच नहीं करेगी, इसलिए हम उसको लाइमन तो कहेंगे बट अल्ट्रा वायलेट रीजन की नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये क्वेश्चंस में वो लोग घुमाते हैं कभी कभी, ध्यान रखना ये जो सीरीज के नेम है कैन बी यूज फॉर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, एंड एन वन एन टू रिमेन सेम फॉर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइमन सीरीज की लाइन्स को हम अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइन्स भी कह सकते हैं, बट ये टर्म हम किसी और एलिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसे ये देखा गया कि जो बामर सीरीज की लाइंस थी, वे बामर सीरीज की लाइंस मेरे बेटाओ उससे क्वांटम निकला, वो सभी क्वांटम हमें दिखे क्योंकि वो जो रेडिएशन था वो विजिबल था, अल्ट्रावायलेट तो इनविजिबल है लेकिन यहाँ बामर में मिले वो विजिबल, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट इंडिगो कुछ भी मिला, बट वॉमर सीरीज में जितने भी क्वांटम जब सेकंड ऑर्बिट में आके इलेक्ट्रॉन रोका तो जो क्वांटम निकले वो सभी विजिबल रेडिएशन वाले थे, मतलब लाइट के क्वांटम थे जिन्हें हम फोटोन भी कह सकते हैं। ओके बेटाओ, इसीलिए हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन के बामर सीरीज की लाइंस को विजिबल रीजन की लाइंस भी कहा गया, जिनकी वेवलेंथ लाइट दैट इज विजिबल जो रेडिएशन ऑलमोस्ट 3800 नैनोमीटर टू एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती हैं, वहां पे इनकी वेवलेंथ आई। इसके बाद मेरे बेटाओ पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, पास्चन और ब्रैकेट दोनों की जो लाइंस थी वे ये भी इनविजिबल होती हैं, और उसके बाद में फंड और हम्फ्रे, फंड और हम्फ्रे की जो थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उनकी क्वांटम्स की सारी वेवलेंथ जो थी वो भी इंफ्रारेड रीजन में थी, बट आप इंफ्रारेड के लास्ट वाली रेंज में, थोड़ी वेवलेंथ और ज्यादा हो गई, इसीलिए कुछ लोग इसे केवल इंफ्रारेड ही बोल देते हैं और कुछ इन्हें फार इंफ्रारेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फार इंफ्रारेड, या फार इंफ्रारेड से मतलब है इंफ्रारेड में भी वेवलेंथ और ज्यादा, लास्ट रीजन इंफ्रारेड का। तो इस तरह से आप ये समझ गए बेटा हो कि केवल वार्मर वाली जो है वो हमें दिखाई देंगी, बाकी सभी इनविजिबल होंगी। ओके बेटा हो? यस सर। वेरी गुड, बट दिस टर्म कैन बी यूज, वेरी गुड, बट ये जो रीजन वाले नाम है ये केवल हाइड्रोन स्पेक्ट्रम के लिए ही आप यूज कर सकते हो बस।
किसी और एटम के एलिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, बट बाकी जो नाम है आपके सीरीज वाले नेम वो आप अदर एलिमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये तो रहा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में टाइप्स ऑफ लाइंस, सीरीज कितने में डिवाइड किया, एन वन कितना है, एन टू क्या है, सीरीज के नाम से या हाइड्रोन स्पेक्ट्रम में इस रीजन के नाम से हमें पता लग जाएगा कि एन वन क्या है। ये हमेशा नाम से पता लग जाएगा, पता लग जाएगा बेटा एन वन, क्योंकि ये आप याद कर लोगे, सीरीज के नाम से एन वन पता लग जाएगा या हाइड्रोन का स्पेक्ट्रम है तो ये जो रीजन है इस रीजन के नाम से पता लग जाएगा कि एन वन कितना है। आर कांस्टेंट होता है, जिस एलिमेंट पे बात कर रहा है उसका जेड भी कांस्टेंट होता है, पता होता है हमें एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का, मतलब हमें इसमें तीन वैल्यू पता है। अगर मुझे एन टू पता लग जाए बेटा हो तो मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, और वेवलेंथ पता हो तो मैं एन टू निकाल सकता हूँ। इज दैट क्लियर? Yes. और बस यही दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। पर अब ये हम N2 पता कैसे करें, क्योंकि N2 तो सबके बहुत सारे हैं, कौन सी वैल्यू लें, आप देख रहे हो N1 फिक्स है पर N2 क्या ले, तो N2 हम कैसे पता करते हैं, अब ये आपको मैं सिखाने जा रहा हूं इसके आगे। ओके बेटा, हो इस पार्ट को इरेज कर दो। यस यस सर। यस, चलो शाबाश। डिटरमिनेशन ऑफ एन टू, आप इसको ऐसे ही लिखो बेटर रहेगा, स्टडी के टाइम पर N2 कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना यहाँ पर बहुत अच्छे से, N1 तो हमें पता लग जाता है बाय नेम ऑफ सीरीज, कौन सी सीरीज है, लायमन बामर पास्टर, उसके अकॉर्डिंग पता होता है N1 क्या होगा, याद होना चाहिए। या ये सीरीज का नाम किसमें है, फॉर एनी एलिमेंट यूज करें, और हम क्या कह सकते हैं, बाय नेम ऑफ रीजन आल्सो, कौन से रीजन में है उससे भी, बट ओनली फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए रीजन से भी, रीजन से भी मतलब सीरीज से तो करेंगे ही पर रीजन से भी पता कर सकते हैं, बट ये केवल हाइड्रोजन के लिए, रीजन से हम अदर एलिमेंट के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट N2 क्या होगा, N2 होगा N1 की वैल्यू आपको सीरीज से मालूम चल गई, याद होगी, प्लस इसमें जोड़ दो लाइन नंबर, आपका लाइन नंबर का मतलब वो किस लाइन की बात कर रहा है, आपको सर समझा दो, हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने कहा बेटा फॉर सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए बेटा एन वन कितना होगा, नाम से पहचानो लाइमन से वन, बट एन टू क्या होगा, एन वन वन प्लस लाइन नंबर कितना है, दैट इज एन टू हो गया थ्री। अगर मैं आपसे कहता हूं पहचानना बेटा हो फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज, बताओ एन वन कितना होगा बेटा हो, ट्राई हार्ड, एन वन कितना होगा बेटा, एन वन टू, वेरी गुड, शाबाश बेटा, नाम से पहचान हमने बामर से टू, और एन टू कितना होगा, एन टू थ्री, अरे बेटा एन टू होगा एन वन सिक्स, वेरी गुड, एन टू होगा सिक्स, तो एन वन टू प्लस लाइन नंबर कौन सा है, फोर्थ लाइन, तो सिक्स। ओके बेटा हो, बट ये ध्यान रखना लाइन नंबर पता हो आपको, अगर आपको पता नहीं हुई, कब पता नहीं होगी, देखो कैसे, अगर वो उसने यूज कर लिया, अभी कुछ खास बातें समझना आप, उसने कह दिया लास्ट लाइन,
या उसने यूज कर लिया लिमिटिंग लाइन, या उसने कह दिया सीरीज की लिमिट, ऐसा कोई वर्ड यूज कर रहा है, तो इस सब का मतलब हो गया बेटा। और लास्ट का मतलब इनफिनाइट, और जब एन वन में आप इनफिनाइट ऐड करोगे तो इनफिनाइट आएगा ना। यस सर। तो जब भी ऐसा वो कहे तो इसका मतलब एन टू इज इनफिनाइट। ओके बेटा। ओके सर। कि इनफिनाइट से उस सीरीज में आया है, और बेटा जब इनफिनाइट से उस सीरीज में आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है ऑर्बिट्स का, एनर्जी क्वांटम की मैक्सिमम होगी, मतलब उस क्वांटम की वेवलेंथ मिनिमम होगी, सबसे छोटी लेंथ होगी उसकी वेवलेंथ। इसीलिए ऐसी लाइन को हम लोग एक नाम और देते हैं, और शॉर्टेस्ट लाइन। और फॉर शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट लाइन क्यों बोला, समझ में आ गया? क्योंकि इसका मतलब है फॉर्म्ड बाई मैक्सिमम एनर्जी क्वांटम, मैक्सिमम एनर्जी वाले क्वांटम से बनी है, इसलिए उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, इसलिए हम उसे शॉर्टेस्ट लाइन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? शॉर्टेस्ट। वेरी गुड। तो शॉर्टेस्ट लाइन के लिए आपसे पूछे तो भी एन टू आपको हमेशा इनफिनाइट लेना है, एन वन तो नाम से पता लग जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉर लिमिटिंग लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज की लिमिटिंग लाइन के लिए बेटा एन वन कितना होगा? 3। तो पाश्चन नाम से आ गया, बट एन टू क्या होगा? इनफिनाइट। इज दैट क्लियर? यस सर। यस। वेरी गुड सर। ऐसे ही एक और चीज यहाँ पर घुमा के आपसे पूछ सकता है, बस यही कंफ्यूजन होता है एन टू का, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लोग क्वेश्चंस लगाना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आपके ग्रुप में सेंड करूंगा आज, जो आप सॉल्व करना। ओके बेटा। ओके सर। अगर कभी भी आपसे कह दे वो फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज की, तब तो आप एन टू निकाल दोगे फर्स्ट लाइन से, एन वन प्लस वन, फर्स्ट लाइन मीन्स लाइन नंबर वन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ, लाइन का मतलब हो गया एन वन तो फंड के अकॉर्डिंग क्या हो गया 5, बट एन टू क्या हो जाएगा? एन वन 5 प्लस लाइन नंबर 1 फर्स्ट लाइन है, दैट इज 6। पर वो कई बार फर्स्ट लाइन टर्म यूज करने के बजाय यूज कर लेता है और लॉन्गेस्ट लाइन। वो लॉन्गेस्ट लाइन यूज क्यों करता है? क्योंकि बेटा ये लाइन बनती है मेड बाय क्वांटम ऑफ मिनिमम एनर्जी। ये कौन से क्वांटम से बनती है? जो उस सीरीज की मिनिमम एनर्जी का क्वांटम होता है। क्यों? क्योंकि जिसमें आना था उसके जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है, तो डिफरेंस सबसे कम होगा एनर्जी का, तो क्वांटम की एनर्जी भी सबसे कम होगी, और क्वांटम की एनर्जी कम होने का मतलब हो गया कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, सबसे लंबी वेवलेंथ होगी। इसलिए इस तरह बनी हुई लाइन की लंबाई ज्यादा नहीं होती है, उस क्वांटम को बनाने वाली, जो उस लाइन को बना रहा है, उस क्वांटम की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उस सीरीज के लिए, इसलिए उस सीरीज की हम उसे फर्स्ट लाइन या लॉन्गेस्ट लाइन बोल देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस यस। वेरी गुड। बस इन टर्म्स में वो आपको घुमाता है, अगर आप इन टर्म्स में नहीं घूमते हो, एन वन एन टू फाइंड कर लेते हो, तो आप उस हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस हम अगली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस में करेंगे, आपको जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा उनके डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को इरेज कर दूं? यस गुड। तो देखो बेटा क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा फाइंड वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ
Palmer series of hydrogen. मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि लास्ट लाइन बामर सीरीज की जो है उसका वेव नंबर बताओ. तो आप ये सॉल्व कैसे करोगे? आप लिखोगे वी नो दैट वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर. ओके बेटा, हो इसकी अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे. उसने न्यू बार दैट इज वेव नंबर पूछा है. आर हम लोगों ने बताया था आपको मैंने 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, तो आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लिखोगे इनटू जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए वन होता है वन स्क्वायर ब्रैकेट में वन अपॉन अब मुद्दा है एन वन का. तो वही आपको मैं सिखा रहा था यहाँ पर अभी तक. वामर सीरीज से क्लियर हो गया एन वन टू, वेरी गुड बेटा. तो यहाँ पर एन वन टू हो गया और यहाँ पर एन टू लास्ट लाइन कहा है मैंने, तो N2 होगा इनफिनाइट. अभी डिस्कस कर लिया हमने. इन दोनों वैल्यूज को आप जैसे ही यहां पर पुट करोगे N1 is 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफिनाइट का स्क्वायर. आप जानते हो इनफिनाइट का स्क्वायर इनफिनाइट और इनफिनाइट का इनवर्स मतलब जीरो. ये पार्ट हो गया जीरो, ये हो गया आपका 109700 इंटू 1/4 सेंटीमीटर इनवर्स. इज दैट क्लियर बेटा? Yes. Yes, बस इसे सॉल्व करो, ये आंसर हो गया. ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, निकाल लेना डिवाइड करके 4 का. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.